और ढूंढेगा। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। सो गाइस वेलकम, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। सो अभी मैं हूँ बुंतर में और यहाँ आने का मेन जो कारण है वो है मैं टायर खरीदूंगा ऑफ रोड टायर, बिकॉज जो मेरा बुलेट का पीछे वाला टायर है वो काफ़ी घिस चुका है। 33,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, ये काफ़ी स्किट होता है सो दिक्कत आती है। तो अभी मैं ऑफ रोड लूँगा। जो मेरे पास पहले टायर था वो था सिटी रोड वाला, लेकिन अभी मैं खरीदूँगा ऑफ रोड टायर। सो देखते हैं, लेट्स गो। सो गाइस ये टायर मैंने अभी लिया, अभी हम इसकी ट्यूब निकालेंगे क्योंकि पहले वाले टायर की ट्यूब मैं फिट करूँगा इसमें। सो गाइस फाइनली ये ऑफ रोड टायर मैंने खरीद लिया अभी। अभी हम चेंज करेंगे ऑफ रोड टायर, बिकॉज पहले वाला मेरा जो टायर है ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से गंजा हो गया था और अब डलेगा ऑफ रोड। फाइनली मुझे ऑफ रोड का ये टायर मिल गया है। ये MRF का नहीं है बट ये है रैलको, उतनी अच्छी उतना अच्छा ये कंपनी इंडिया की नहीं है, बट फिर भी मुझे खरीदने की इसको ज़रूरत है बिकॉज ऑफ रोड में मैं राइड करता रहूँगा तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। सो चलिए इसको फिट करते हैं। सो अभी हम चेंज करेंगे सिटी रोड के टायर को और अभी ऑफ रोड लगाएंगे। गाइस फाइनली टायर हो गए फिट, अब चलाते वक्त देखेंगे कैसा कंफर्ट मिलेगा या नहीं। ठीक है मैंने ये कर्नल दबाना भी जाओ। ठीक है कहाँ से आना मैंने? अच्छा यहाँ से कटना मोड़ा। एक मिनट चलो। फाइनली टायर हो गए चेंज और सवारी वापस घर की ओर। पुराने वाला टायर काम आएगा घर में। तो गाइस टायर चेंज करने के बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता था टायर चेंज करने के लिए हुआ था तो काफ़ी स्किट होता रहता था बीच में। तो अभी मैं बिल्कुल भी रिलैक्स हूँ और अब मुझे कोई डर नहीं है।
हम ऑफ रोड में भी जाएंगे फुल पावर, बिकॉज ऑफ रोड टायर ही